आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। नमस्कार, न्यूज फोल्डर में आपका स्वागत है। अब नजर डालेंगे दिल्ली की खबर पर। दिल्ली के ललित कला अकादमी में 63वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का शानदार आयोजन किया गया और इसके समापन के मौके पर 20 चुनिंदा कलाकारों को नगद धनराशि और सम्मान पत्र वितरण किए गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ललित कला एकेडमी में 63वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन अभिनेता मनोज जोशी, लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी और कलाकार वासुदेव ने किया। कमानी ऑडिटोरियम में आयोजित इस प्रदर्शनी में कला भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स के संस्थापक असगर अली विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि करीब हजारों आवेदकों में से 20 कलाकारों को चुनना टेढ़ी बात थी और इस मौके पर चुनिंदा 20 कलाकारों को एक पट्टिका, एक प्रमाण पत्र और 2,00,000 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। आपको बता दें कि जो वर्तमान में BFA, MFA, डिग्री, डिप्लोमा छात्र हैं, उन्होंने यहाँ पेंटिंग, मूर्तिकला, डिजाइन और अमृत कला के बारे में बहुत कुछ सीखा। यहाँ मास्टर ब्रश स्ट्रोक्स पेंटिंग का लाइव प्रदर्शन प्रख्यात कलाकार प्रोफेसर प्रणाम सिंह ने किया और इस लाइव डेमो में मॉडल की भूमिका निभाई साक्षी ने, जो कला भूमि डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स की छात्रा हैं। NID और अन्य कॉलेज ऑफ आर्ट्स जामिया मिलिया इस्लामिया से आए सभी छात्रों ने यहाँ रंगों और ब्रश के हुनर सीखे। ललित कला एकेडमी के अध्यक्ष वी नागदास ने कला भूमि एवं ललित कला एकेडमी के कार्यों की सराहना की। देखिए, आजकल बल्कि बच्चे की फ्यूचर हमारे टाइम पे जैसे होता था कि यार कॉलेज में अगर कोई दाखिला ले तो माँ बाप तो पहले ही गालियाँ बुली दे देते थे, तुम मर जाओगे, तुम भूखे रहोगे, ऐसा ही। अब ऐसा नहीं है। सोशोलॉजिकल के परिवर्तन बहुत आया है। आजकल के माँ बाप चाहते हैं, क्योंकि अभी आज मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट का न्यू कमर्स के वेलकमिंग एड्रेस करते हुए आज मैंने गया था कॉलेज ऑफ आर्ट में, करीबन 350-400 का स्टूडेंट्स दाखिला लिया एक साल के अंदर, जो देखने लायक है। और सारे बच्चे के अंदर जो जोश देखा मैंने कि उनके पिताजी माताजी उनके पेरेंट्स ने काफ़ी प्रोत्साहन देता होगा और दे रहा होगा, नहीं तो फिर वो आर्ट कॉलेज में क्यों आएंगे। तो इसलिए चेंजेस तो बहुत है। मॉडर्न जनरेशन के पेरेंट्स इतने कंजर्वेटिव नहीं है कि तुम आर्किटेक्ट में जाओ, कि तुम डॉक्टरी पढ़ो, तुम इंजीनियर पढ़ो, आर्ट कॉलेज में नहीं आओ। आर्ट कॉलेज का वो अभी समय नहीं है जो अच्छा कॉलेज ऑफ आर्ट से अच्छा प्रोडक्ट मतलब पास करके आते हैं, मास्टर्स डिग्रीज करते हैं, PhD भी आजकल की अपॉर्चुनिटी आ गया है। जो सचमुच एकेडमिकली अच्छा काम करके ही आर्ट कॉलेज में पास आउट करते हैं, उसके लिए भविष्य बिल्कुल ब्राइट है, बिल्कुल ब्राइट है। तो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो देना चाहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा करोगे, अच्छा सीखोगे तो अच्छा फल पाओगे। ठीक है सर, ये 63 जो है नेशनल जो है आर्ट एग्जीबिशन है, जिसमें करीबन अगर बात करें तो पूरे भारत से जो है आर्टिस्ट जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं और ये नेशनल लेवल है। मतलब अगर बात करें तो नेशनल अवार्ड यहाँ से डिक्लेयर होता है और वो भी सिर्फ जो है 20 आर्टिस्ट का। लास्ट वीक ही ये प्रोग्राम पूरा ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें मनोज जोशी जी जो है जो पद्मश्री हैं, एक्टर हैं, वो आए थे, साथ में अपने जो है दास जी चेयरमैन हैं, वो सारे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में 20 कलाकारों को जो है नेशनल अवार्ड दिया गया। उसमें से एक हमारे मेरठ के हैं अनस सुल्तान को अगर कोई पहचान दी गई है तो इस संस्था ने दिया है। हजारों मतलब लाखों करोड़ों ऐसे आर्टिस्ट जो यहाँ से निकले हैं, इतिहास काफ़ी पुराना है। और आर्ट की जहाँ तक बात करें, हम भी छोटी सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, करीबन 20-25 स्टेट से हमारे पास भी बच्चे आ रहे हैं। बट एक्चुअल बात करें तो ये डिग्री कॉलेज के हिसाब से और मास्टरी के हिसाब से, PhD के हिसाब से काफ़ी लेजेंड आर्टिस्ट यहाँ से निकले हैं। तो आर्ट जगत का तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इन्हीं का ही योगदान है कि इतनी बड़ी संस्था जो है आज की जनरेशन को जो है आर्ट को जो परोस रही है।
और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि फील्ड में अगर ऐसे लोग और ऐसे, क्योंकि हमारा ये एकेडमी एक इसके की पुराना हिस्ट्री है, कितना भी बड़ा बड़ा आर्टिस्ट है ये सब यहाँ से निकला है, तो उन लोगों का एक इंस्पिरेशन यहाँ से मिलता है। तो हमने सोचा था, मैं भी कब स्टूडेंट था यहाँ विजिट करता था तो हमको बहुत अच्छा लगता था, एक पॉजिटिव एनर्जी लेके जाता था, फिर हम नया नया काम करता था। तो स्टूडेंट्स लोगों को हम क्यों लेके आया था, एक ललित कला एकेडमी के अंदर कितना भी एग्जीबिशन होता है, एक एग्जीबिशन साइक ऑफ एग्जीबिशन बोलते नहीं है, ऐसे लोग आके देख के चला जाते, बट एक वाइब्रेशन नहीं होता था। तो हमने सोचा उसको थोड़ा चेंज करके ऐसे कुछ फंक्शन करें, स्टूडेंट्स को हम अट्रैक्ट करें, क्योंकि दे आर ऑल द बडिंग आर्टिस्ट, उसके अंदर हम आग जलाना पड़ता है, क्योंकि आने वाले समय में यही लोग आर्ट फील्ड का बड़ा बड़ा आर्टिस्ट बनेंगे, हमारा इकोनॉमी भी यही लोग कंट्रोल करेंगे। अभी भी आप महान महान कलाकारों को देखिए, 30 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ में, ये हमारा इकोनॉमी के पार्ट हो गया अभी। सो वर्क ऑफ आर्ट को हम प्रमोट करने के लिए इस तरह कुछ कुछ एक्टिविटीज़ की कर रहा हूँ मैं, अभी भी कर रहा हूँ और भी करना है। साथ ही साथ मैं सोचा था बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्व करें, उसका इंटरेस्ट बढ़ा दें। अगर हम देखा जाए, जैसे अगर हम प्रोफेशनली यूज़ करें तो इसे कैसे देखा जाए? नहीं, प्रोफेशनली बात का बात है, पहले आप बच्चों को वो लेवल में पहुँचाना है। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, किसका मार्केट अच्छा पकड़ गया, फिर वो कंटिन्यूसली काम करना शुरू होता है, बट प्रोफेशनलिज्म के अंदर पहुंचने में बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। बट अभी के नया मूवमेंट्स क्या है, एवरीथिंग मोबाइल में मिल रहा है, पूरा वर्ल्ड वाइड का आपकी नॉलेज, तो प्रोफेशनलिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ काम करो, लंडन भेज सकते हैं, अमेरिका इमेज भेज सकते हैं, कब उसका डिमांड आएगा तो भेज भी सकते हैं, तो प्रोफेशनलिज्म को कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। बट अच्छा वर्क ऑफ आर्ट को देखने का मौका मिलना चाहिए, अभी हमारा कमी हुई है, अच्छा वर्क ऑफ आर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वर्क ऑफ आर्ट में कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए ना, कौन अच्छा अमेरिकन इंग्लिश बोलता है, कौन उसका पैसा है, तो आर्ट फील्ड में घुसते रहते हैं वो, जल्दी जल्दी महीना महीना शो करके अपना आइडेंटिटी बनता है, बट उसी में नया नया लोगों का बड़ा मिसगाइड होता है। इसलिए ना, अच्छा वर्क ऑफ आर्ट को समझाने के लिए भी हमारा इस तरह वर्कशॉप, इस तरह एग्जीबिशन से ना काम आएगा। अभी आप कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट को ऐसे प्रणाम सिंह जी कर रहे हो, हाँ वो कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि वो रोलर में कहा ऐसे रोल करेंगे क्या है, वो तो फाइन आर्ट पढ़ने की क्या जरूरत है, तो कोई भी ABCD कर सकता है ना। अभी हमारे विमान दास जो है, ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल का स्कल्प्टर है, इसके अंडर कितना बच्चे को एक्सपीरियंस करके अभी फील्ड में है, प्रोफेशनल फील्ड में काम कर रहे हैं, तो एक टीचर होके भी उसका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो आर्टिस्ट लोगों को ना हमेशा सोचना चाहिए, अपने आने वाले जनरेशन को कैसे अच्छा रास्ता दिखाएंगे, ऐसा नहीं है सिंपल वे में तुम उसका कुछ भी करके आर्ट है बोलना, वो ट्रेंड खत्म करने के लिए हम ऐसे कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। आपको बता दें कि कला भूमि और ललित कला एकेडमी एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो इस क्षेत्र से जुड़े छात्रों को एक सम्मानित मंच प्रदान करते हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक शानदार प्रदर्शनियां आयोजित की हैं और सभी उभरते हुए कलाकारों को मौका देते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से इस क्षेत्र से जुड़े छात्रों को आकर्षित करने में यह आयोजन पूरी तरह सफल रहा है और यहाँ हर क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों का एक साथ एक मंच पर ललित कला एकेडमी के इस कार्यक्रम में आने का साफ संदेश है कि ललित कला एकेडमी की अपनी लोकप्रियता चरम पर है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।